पहला सुख निरोगी काया। इस मूल्य मानव जन्म जो हमें प्राप्त तो है उससे हम हमारे लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। कहा भी है, शरीर माध्यम खलु धन, शरीर से ही धन की आराधना हो सकती है, लेकिन यदि हमारा शरीर हमें सहयोग न करे तो हम उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन की यात्रा इस सर्वी वाहन द्वारा ही संपन्न होती है। यदि यह वाहन अच्छा और शक्तिशाली होगा तथा जीवन यात्रा के दौरान इसकी उचित देखभाल की जाती रहेगी एवं क्षमता से ज्यादा भार डालकर इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा तो यह अपनी यात्रा निश्चित अवधि तक निर्विघ्न रूप से पूर्ण करेगा और इसमें यात्रा करने वाला मानव अधिक सुखद व लंबी यात्रा कर सकेगा। अन्यथा एक खटाला गाड़ी में बैठकर दुखद व बाधापूर्ण यात्रा करनी पड़ेगी और बीच राह में ही गाड़ी खराब हो जाने से आगे की यात्रा के लिए असमय ही नया शरीर रूपी वृद्धान उसे नया शरीर धारण करना पड़ेगा। प्रश्न खड़ा होता है, आरोग्य क्या है और निरोग क्या है, निरोग और निरोगता क्या है और आरोग्यता क्या है। निरोगता का मतलब शरीर के अंदर रोग पैदा ही ना हो, लेकिन आरोग्य का मतलब शरीर के अंदर रोग होते हुए भी वो हमें परेशान ना करें, उनके लक्षण बाहर प्रकट ना हो। शरीर के अंदर हजारों रोग हैं जिनको हम अव्यक्त नहीं कर सकते, जिनको हम अव्यक्त कर सकते हैं उनको आज की मशीनें पकड़ नहीं सकती, जिनको आज की मशीनें पकड़ सकती है उन्हें डॉक्टर समझ नहीं सकता, जिन्हें डॉक्टर समझ सकता है उनकी दवाएं उपलब्ध नहीं है, एक ही प्रकार की उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आज जो भी रोग के नाम से उपचार किया जाता है वो मात्र शरीर का किया जाता है। शरीर के रोगों से शरीर विकारग्रस्त, मन के रोगों से मन विकारग्रस्त है और आत्मा के रोगों से आत्मा विकारग्रस्त होती है। इसलिए आदि अर्थात शारीरिक, मानसिक व्याधि अर्थात शारीरिक और उपाधि अर्थात आत्मिक तीनों प्रकार के विकार जब दूर होते हैं तभी हमें सच्ची निरोगता प्राप्त होती है और हम सही मायने में स्वस्थ कल्याण के अधिकारी होते हैं। आरोग्य और निरोगता में अंतर मालूम करने के पश्चात हर व्यक्ति ये जानना चाहेगा कि स्वस्थ कौन है, स्वास्थ्य के मापदंड क्या है, अच्छा स्वास्थ्य कैसा होता है। स्वास्थ्य का मतलब है रोग मुक्त जीवन। स्वास्थ्य तो तन मन और आत्मसा के समन्वय का नाम है, अर्थात जब शरीर मन और आत्मा तीनों जब ताल से ताल कर कार्य करें, शरीर की सारी प्रणालियां एवं सभी अवयव समान रूप से स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करें, किसी के भी कार्य में कोई अवरोध अथवा आलस्य न हो और न उनको चलाने के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता पड़े, शरीर का तंत्र अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग से कार्य करे, मन का चिंतन और आचरण सम्यक हो अर्थात मन में बेचैनी न हो, सारे अंग और क्रियाएं संतुलित हो असंतुलित न हो, सारी प्रवृत्तियां सहज और स्वाभाविक हो अस्वाभाविक न हो, अर्थात जिसका पाचन और श्वसन बराबर हो, नियमित हो, संतुलित हो, अनुपयोगी अनावश्यक विजातीय तत्वों का निष्कासन सही हो, भूख प्राकृतिक लगती हो, निंद्रा स्वाभाविक आती हो, पसीना गंधहीन हो, त्वचा मुलायम हो, बदन गठिला हो, कमर सीधी हो, खिला हुआ चेहरा एवं आंखों में चमक हो, नाड़ी मज्जा अस्थि तंत्र प्रजनन एवं लसिका आदि सभी तंत्र शक्तिशाली हो तथा अपना कार्य पूर्ण क्षमता से करने में सक्षम हो। जो आत्मविश्वासी दृढ़ मनोबली सहनशील धैर्यवान निर्भय तनाव व चिंता मुक्त साहसी और जीवन के प्रति उत्साही हो, जिसके मन में शांति हो सरलता हो, जिसका स्वचिंतन प्रज्ञा और स्वविवेक जागृत हो तथा जिसका मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो, विचारों में पूर्वाग्रह हो, सत्य के प्रति समर्पित हो, जो पूर्ण अहिंसक हो स्वावलंबी हो, जो निष्प्रही तथा निरंकारी हो, जिसकी प्राथमिकताएं एवं लक्ष्य समताओं के अनुरूप सम्यक हो तथा जो प्राकृतिक सनातन नियमों का पालन करता हो, जिसके सारे कार्य समय पर होते हों तथा जीवन नियमित हो। वास्तव में पूर्ण स्वस्थता के मापदंड तो यही हैं। जितने जितने अंशों में उपयुक्त तथ्यों की प्राप्ति होगी उसी अनुपात में सही स्वरूप में हम स्वस्थता के समीप होंगे। इसके विपरीत स्थिति पैदा होने पर अपने आप को स्वस्थ मानना अथवा स्वस्थ बनाने का दावा करना न्याय संगत नहीं हो सकता।